यहाँ जैसे कि आपको पता ही है आज मेले का तीसरा दिन है और हम आपको दिखाते हैं यहाँ के मेले का नज़ारा। तो आइए देखते हैं यहाँ का नज़ारा और मैं आपको बताऊंगी भी साथ में हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ माँ शिवरात्रि में आकर के। चलिए मेरे साथ। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं मौत का कुआं, ये एक तरह का खेल है जो आप देख करके ही मजा ले सकते हैं जिसका। और ये है व्हील, कितने खूबसूरत से यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो यहाँ आकर के आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर एक और झूला है, इसका नाम है ब्रेक डांस। इस टाइम तो यहाँ पर कोई इतना ज्यादा रश नहीं है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा रश भी उसी के साथ बढ़ता चला जाएगा। हम इनसे जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और कितने समय से ये यहाँ पर आते रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स हमारे मंडी वाले लोगों ने इनको दिया है जो ये यहाँ पर आते हैं। इस मेले में घूमने के लिए जो है दूर दूर से लोग आते हैं और मजा लेते हैं। वाला मौत की आप कहाँ से आए हैं? हम कटौला से। कटौला से? कटौला से। ये आपका है झूला? नहीं जी नहीं, हमारा कहाँ है जिनका ये झूला? अच्छा, मेले में आए। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आइए हम बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है यहाँ पर। आज वैसे तीसरा दिन है मेले का, रिस्पॉन्स लगा, कितने लोग आए? कल आए थे कम से कम 50-100 बंदे आए थे इसमें झूलने के लिए, बड़े रश से आगे। लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा? हाँ, बढ़िया रहेगा। मौसम भी साथ दे रहा है? हाँ, मौसम भी साथ दे रहा है इस समय। इससे पहले भी कई झूले लगाए हैं? हाँ लगाए, सुजानपुर में लगाए थे, जयसिंहपुर में भी लगाए थे और तुम्हारे इधर भी बिलासपुर में लगाए थे। बढ़िया चला था काम। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ रहा था? सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ रहा? सुजानपुर में। बहुत अच्छा रहा था। चलो, आपको हम शुभकामना देते हैं कि इस बार भी आपका अच्छा हो यहाँ पर बिजनेस और दोबारा आप आओ यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक व्हील झूला है जो कि सबका बहुत मन पसंदीदा झूला होता है। यंगस्टर हो, हर तरह के लोग इसे एंजॉय करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए? पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार। पहली बार लगा रहे हैं? इससे पहले नहीं आए थे? इससे पहले हम नहीं आए थे। इससे पहले आप कहाँ कहाँ लगा चुके हो? ये सुजानपुर लगाते हैं, आपने अगर बिलासपुर में भी लगता है, आपके बोले हुई है। कुल्लू में लगाया कभी? नहीं, आप शुरू में कभी नहीं लगाया? कुल्लू में नहीं लगाया। आज पहली दफे लगाया आपने यहाँ। किस तरह का रिस्पॉन्स लग रहा है? वैसे बढ़िया लग रहा है। इससे लग रहा है कि अच्छा है, मौसम भी साथ दे रहा है। सब यहाँ का साथ दे रहा है। प्रशासन की तरफ से सब प्रबंध है आपको? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से सारे प्रबंध है आपको? सारे सब प्रबंध है हमारे। तो आपने देखा ये काफी सेटिस्फाइड है और इनको बहुत किसे कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टेड है कि जो है यहाँ से इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत पॉजिटिव है इस चीज को लेकर के कि यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आपको लेके चलते हैं तीसरे झूले में जो है कोलंबस। इसे भी यंगस्टर बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे याद आता है वो पल कॉलेज के टाइम पे हमने भी बहुत इंजॉय करा है इसमें। पता नहीं, शायद हम 10-10, 11-11 राउंड उस टाइम पे लगाते थे कॉलेज टाइम पर। वो दिन मुझे याद आ रहे हैं, अभी भी लगाते हैं, पर वो एक्साइटमेंट अब नहीं है जितना पहले था। इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम अलीगढ़ के हैं मैडम। अलीगढ़ से आए हैं? पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं, 4 साल पहले आ चुके हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा था पहले? पहले अच्छा रहा था, ये 5 साल अब तो कम है जो हो रहा है तनाव इसकी वजह से, मौसम की वजह से।
मौसम की वजह से, लेकिन बिगड़ जाता है ना। लेकिन अभी कुछ टाइम से जब से मेला शुरू हुआ है तब से तो मौसम साथ दे रहा है आप लोगों का। मौसम साथ दे रहा है, अगर मौसम खराब रहा तो मेला खराब हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक आपको कितना रिस्पांस आ गया तीन दिनों में? तीन दिन में 4-5 लाख रुपए कमा लिए। कमा लिए, मतलब अच्छा रिस्पांस है। क्या है इसके प्राइस? इसकी प्राइस 50 रुपीज है। ओके, तो वो आप कितने लोग आ जाते हैं पता है आपको? आइडिया है कुछ? इसमें आ जाते हैं 70-80 लोग आ जाते हैं करीब। अच्छा, एक कोलंबस में 70-80 आ जाते हैं एक शिफ्ट में, तो यानी बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है। इस इतना अच्छा रिस्पांस और जगह से भी मिलता था? नहीं नहीं, यहाँ अच्छा चलता है, हिमाचल कंट्री एक अच्छी है इस वजह से। कुल्लू में भी कभी लगाया है आपने? मनाली इसके बाद लगेगा। लगाया है वहाँ पर? वहाँ पे ही लगाते हैं, वहाँ पे इतना नहीं चलता जितना यहाँ चल रहा है। अच्छा, मतलब आप खुश हो, मंडी वाले लोग जो है आपने देखा कितने उत्साहित होते हैं, हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे इस साइड की बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो है तैराकी का इंतजाम किया गया है, तैराकी झूला लगाया गया है, बोट है जिससे छोटे छोटे बच्चे जो है इंजॉय करते हैं। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि आपको बताएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, किस तरह का इंस्टीट्यूट है। सर, ये किस तरह का इंस्टीट्यूट? ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है। आपने वर्ड सुना होगा मौका, जैसे हनुमान जी जो थे वो राम जी को मिले थे, वो मौके के रूप में मिले थे। मैम वैसे ही, मैम जैसे आजकल के बच्चे हैं मैम, आगे बढ़ना चाहते हैं मैम, लेकिन हर टाइप की मैम नई नई चीज़ें उन लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन बच्चा ना एक जगह पे फोकस नहीं हो पाता। तो मैम ये एक प्लेटफॉर्म है जो एक बच्चों को बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। हमारे पास इंजीनियरिंग, BAMS, मैम सारे के सारे कोर्सेज हैं, मेडिकल से लेके अप्लाइड साइंसेज तक के मैम। और मैम सबसे अच्छी बात यह है मैम कि ना बच्चों को एक एक जो जैसे क्लास 12 तक तो बच्चे ने जितनी बुक से पढ़ना होता है अब कर लेता है मैम, बाकी आगे के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना मैम वो बच्चे को प्रैक्टिकल स्टडीज़ पर फोकस करवाया जाता है। तो मैम हमारा कॉलेज इस चीज़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर मैम 10th 12th ग्रेजुएशन की बात के कोई भी बच्चे हो मैम, जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन आर्थिक स्थिति से थोड़े कमज़ोर है, तो मैम हमारा कॉलेज उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है आगे पढ़ने के लिए मैम। तो ये हमारे कॉलेज का मेन मोटो है। और हिमाचल के बच्चों के लिए जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट, एक सबसे जिसे बोलते हैं ना कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो मैम यहाँ हमारा कॉलेज प्रोवाइड करवाता है उस चीज़ के लिए। ये है मैम हमारे कॉलेज के लिए। ओके, और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं खेल कूद से लेके रिलेटेड कुछ? मैम आजकल मैम जैसे जितनी भी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल रखी है, आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो खेलोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो मैम हमारे पास मैम ये है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पर मैम बच्चों को ना ये देखा जाता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है, जिस चीज़ में अच्छा है उसी चीज़ के लिए उसको फोकस किया जाता है। मैम आजकल ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चों को बोल दिया कि बेटा ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, हमारे यहाँ क्या है कि प्रॉपर काउंसलिंग सेशन है। जैसे अभी हम लोगों ने रात्रि के मेले में हम लोग को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हमारे CM साहब हैं उनकी तरफ से हम लोग को काफ़ी हेल्प मिली है, उन्होंने हमें कैनेपी सेटअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। तो बच्चा यहाँ पर आ सकता है डायरेक्टली काउंसलिंग के पता कर सकता है, अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो मैम वो डायरेक्टली आ सकता है कॉलेज में, अदरवाइज मैम वो इनडायरेक्टली भी आ सकता है। हमारा मंडी में ऑफिस है जहाँ पर मैम महामृत्युंजय मंदिर के पास देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से, वहाँ पर आके बच्चा काउंसलिंग के लिए पता कर सकता है। तो सर आपका बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन है कहाँ पर? मैम हमारा जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो देहरादून में है। वैसे तो हमारे इंस्टीट्यूशन की ब्रांचेस अलग अलग जगह है, जैसे उत्तर प्रदेश में है हरियाणा में है, लेकिन जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो उत्तराखंड देहरादून में है मैम। मैम इसको एस्टैब्लिश हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 19 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है मैम। मैम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ है, बस बच्चे को एक बार हम लोग वही बोलते हैं कि जैसा जैसा अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो ये एक मौका है मैम। वही है जैसे मैंने आपको बताया हनुमान जी के रूप में, जैसे राम जी को हनुमान जी मिले थे वैसे बच्चे को अगर हम लोग मिल जाए तो मैम बच्चे के कहते हैं ना कि एक पर लग जाएंगे मैम, बिल्कुल वैसा ही है। तो देखा आपने, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जरूर यहाँ पहुँचिए, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके बच्चों के लिए, और जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। हमारे प्लेसमेंट का फैक्टर्स क्या है? प्लेसमेंट आजकल कोई भी कंपनीज आती है, अगर आप जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करेंगे, लोकल्स कंपनी की बात करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में हम एक चीज सबसे ज्यादा मांगते हैं बच्चे से कि वेदर द पर्सन हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज और नॉट। इफ अ पर्सन हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स, हमारे कॉलेज जो है ना हमारे कॉलेज डायरेक्टली कंपनीज को प्रोवाइड बुलाता है। मैम अगर आप हमारे कॉलेज की डिटेल्स देखेंगे, मैम हमारे कॉलेज की कंपनीज जो है,
हमारे पास मैम मोर देन 60+ कंपनीज जो होती है ना हर मंथ विजिट करती है मैम, अगर आप हमारे पूरे के पूरे, और मैम हमारा मैक्सिमम पैकेज 24 लाख पर एनम का है मैम, जिसमें क्या है कंपनीज मैम हमारे पास जो भी आती है मैम वो ना वैल्यू एडेड सर्विसेज देख के आती है कि बच्चे को ना मैम प्रैक्टिकल नॉलेज किस चीज़ के बेसिस पे है, और मैम हम जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ बुकिश नॉलेज पे इतना फोकस नहीं किया जाता जितना प्रैक्टिकल नॉलेज पे किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे की इनहैंस्ड है तो मैम कंपनीज ऑलरेडी स्पेसिफिकली बच्चों को अपने यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के बेसिस से ही लेके जाती है मैम। ओके सर, अगर हम लोग पिछले 19 साल से बात करेंगे तो मैम मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स है जो मैम हमारे यहाँ कॉलेज के कैंपस से प्लेस होके जा चुके हैं। हमारे खुद के स्टूडेंट्स के साथ साथ मैम हम लोग एक कूल कैंपस की भी अपॉर्चुनिटी देते हैं मैम। हमारे कॉलेज को मैम 2015 में हमारे जो चेयरमैन साहब है मिस्टर संजय बंसल जी, उनको उत्तराखंड रत्न अवार्ड मिला था, इसी वजह से अपने बच्चों का प्लेसमेंट तो करवाते ही करवाते हैं, साथ ही साथ मैम बाहर से बच्चों को एक मैम अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, कॉलेज में लाके कूल कैंपस ऑर्गेनाइज करवाते हैं और तब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सर हमारे पास वैसे तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो टोल फ्री नंबर है बच्चा डायरेक्टली उसके ऊपर पास जाता है, ये हमारा टोल फ्री नंबर है विदाउट एनी कॉस्ट के साथ, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इसमें बच्चा जाए डायरेक्टली कॉल करे, अगर कॉल मिस भी जाती है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली कॉल बैक हम लोग जनरेट कर देते हैं, टेलीफोनिक काउंसलिंग के लिए हम लोग जनरेट करवा देते हैं। अब हम देखते हैं देव नृत्य जो कि पिछले 2 सालों से चला आ रहा है, और इसमें जो है देवी देवता जो है आपस में नृत्य करते हैं और ये एक बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है।